नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द विक्टेड अप पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप स्टडी लीव चाहते हैं तो स्टडी लीव आपको कैसे मिले, क्या इसके नियम शर्त हैं, कितने दिन की छुट्टी मिलती है, क्या इसका खर्चा सरकार उठाती है आपकी स्टडी का, वो सारी बातें इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं, सारी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको एक एक करके सारी कंडीशन बता देता हूं। तो पहली कंडीशन तो यही है, मेन कंडीशन, मेन थीम यही है स्टडी लीव की। अगर आपको स्टडी लीव चाहिए तो आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं या जो भी हायर एजुकेशन आप करना चाहते हैं उसका डायरेक्ट रिलेशन आपके डिपार्टमेंट से होना चाहिए, या फिर आप जिस पोस्ट पर हो उस पोस्ट से रिलेशन होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप किसी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में हो या इंकम टैक्स ऑफिसर या कुछ भी हो, आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो उसका डायरेक्ट रिलेशन आपकी पोस्ट से होना चाहिए, या जो भी आप हायर एजुकेशन चाहते हैं उसका डायरेक्ट रिलेशन आपकी पोस्ट से होना चाहिए, आपके काम से होना चाहिए, आपके वर्क से होना चाहिए, आपके डिपार्टमेंट से होना चाहिए, तभी आपको स्टडी लीव मिलेगी। और इसका डायरेक्ट प्रॉफिट अगर आप कोर्स कर लेते हो तो उसका डायरेक्ट प्रॉफिट पब्लिक को भी होना चाहिए, आपके काम में इजाफा होना चाहिए, आपकी प्रोफेंसी, एफिशिएंसी, इन सब चीज़ों में इजाफा होना चाहिए। अगर सीधी सीधी बातों में ये कहा जाए तो अगर आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं उसका अगर प्रॉफिट डिपार्टमेंट या पब्लिक को हो रहा है तभी आप उस कोर्स के लिए लीव ले पाएंगे, स्टडी लीव मिल पाएगी उस कोर्स या उस हायर एजुकेशन के लिए। ये तो इसकी नॉर्मल कंडीशन, इस कंडीशन के बिना आपको स्टडी लीव नहीं मिलेगी। और मैं इसके आगे और भी कंडीशन आपको बता देता हूँ कि और क्या क्या कंडीशन होती है नॉर्मली। पहली कंडीशन होती है कि अगर आप स्टडी या कुछ टूर के लिए जाते हैं तो आपको पहले तो आपकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी यानी कि आपका डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट से ग्रांट होना बहुत जरूरी, उसके बिना आपको तो लीव नहीं मिलने वाली है। और आप जब स्टडी लीव करके मतलब अपना कोर्स वगैरह करके आओगे या फिर अपनी हायर एजुकेशन करके आओगे तो आपको एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी डिपार्टमेंट में कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा कोर्स किया और इस कोर्स में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई और मैंने फुल कोर्स किया, वो सारी जानकारी आपको एक रिपोर्ट में सबमिट करनी पड़ेगी आपके हायर एजुकेशन से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं कितने दिन की आपको स्टडी लीव मिल सकती है, मैक्सिमम और मिनिमम कितने दिन की स्टडी लीव मिल सकती है। तो अगर हम बात करें मिनिमम तो आपको 12 मंथ की स्टडी लीव मिल सकती है, 12 मंथ तक आप स्टडी लीव ले सकते हैं। मैक्सिमम की बात करें तो आपको 24 मंथ यानी कि 2 साल की स्टडी लीव मिल सकती है, तो काफ़ी अच्छी लीव मिलती है आपको 12 मंथ और 24 मंथ। क्या आपको इस लीव के दौरान सैलरी मिलेगी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या खर्चा सरकार उठाएगी। बात कर लेते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है स्टडी लीव के लिए। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर चैनल, जैसे कि जिस भी आप डिपार्टमेंट होते हैं उसका एक प्रॉपर चैनल होता है, मतलब कि सीनियरिटी वाइज होता है, जैसे कि आपसे सीनियर कोई होगा, उससे सीनियर कोई होगा, उस तरह के एक प्रॉपर चैनल चलता है। तो आपको प्रॉपर चैनल को फॉलो करना, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आपको प्रॉपर चैनल का मतलब पता होगा, तो प्रॉपर चैनल को फॉलो करना है। और आपको जो अप्लीकेशन देनी है उसमें साफ साफ ये दिखाना है, बताना है कि आप किस पर्पज़ और किस कोर्स के लिए या किस हायर एजुकेशन के लिए आप स्टडी लीव अप्लाई कर रहे हो। अगर उस कोर्स को आप मेंशन नहीं करोगे, उस हायर एजुकेशन को मेंशन नहीं करोगे तो आपकी स्टडी लीव पहले ही खारिज हो जाएगी। और सारी डिटेल आपको बतानी है, अगर आप इंडिया से बाहर लीव अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो वो भी आपको मेंशन करना है, और सारी डिटेल जो स्टडी लीव से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें आपको अप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करनी ज़रूरी है। तो हम बात कर लेते हैं कि कैसे लीव को सेंशन किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, जो आपकी लीव होगी वो आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाएगी, वो उसको एनालिसिस करेगा, फिर एक ऑडिट ऑफिसर होता है वो उस लीव को एनालिसिस करेगा कि हाँ ये सही है कि नहीं, ये कोर्स बेनिफिशियल है कि नहीं है हमारे डिपार्टमेंट के लिए, वो सारी चीज़ें वो कंसीडर करेगा, चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, उसके बाद ही आपको लीव मिल पाएगी। अब हम बात कर लेते हैं क्या आपको लीव के दौरान सैलरी भी मिलेगी, क्या आपको लीव सैलरी मिलेगी। तो मैं आपको बता दूँ कि हाँ आपको लीव के दौरान आपको लीव सैलरी भी मिलेगी। अब उसकी कंडीशन दो है, देखिए पहले तो अगर आप इंडिया के अंदर अगर स्टडी करते हो तो उसकी कंडीशन अलग है, उसकी लीव की सैलरी अलग है। अगर आप आउटसाइड इंडिया, अगर इंडिया के बाहर अगर आप स्टडी करते हो या कोर्स करते हो या कोई हायर एजुकेशन हायर करते हो तो आपको उसकी कंडीशन अलग है, उसकी लीव अलग है, उसकी सैलरी अलग है। अगर आप आउटसाइड इंडिया करते हैं, अगर इंडिया के बाहर करते हैं तो उसकी सैलरी में आपको मिलेगी, सैलरी तो मिलेगी, उसमें आपको बेसिक पे मिलेगा, आपको DA मिलेगा, डेयरिंग अलाउंस मिलेगा, HRI मिलेगा, और आपको स्टडी अलाउंस भी मिलेगा। ये आपको 4-5 चीज़ें मिलेंगी। अगर आप इंडिया में करते हैं, इनसाइड इंडिया करते हैं तो आपको बेसिक मिलेगा, DA मिलेगा, HRI मिलेगा, और स्टडी अलाउंस नहीं मिलेगा आपको, स्टडी अलाउंस नहीं मिलेगा। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि स्टडी अलाउंस नहीं मिलेगा इंडिया के अंदर,
आप इंडिया के बाहर करोगे तभी आपको स्टडी अलाउंस मिलेगा। और अगर आप कोई स्कॉलरशिप वगैरह या कुछ अगर वो मतलब आपको वहाँ पर मिलती है तो उसकी जानकारी आपको डिपार्टमेंट में देना पड़ेगा, क्योंकि वो स्कॉलरशिप आपके सैलरी से घटा दी जाएगी। मतलब आप डबल पैसा नहीं ले सकते सरकार से, आपको केवल एक ही पैसा मिलेगा जो आपको, अगर आप सैलरी लोगे तो आपको स्कॉलरशिप या कोई पार्ट टाइम जॉब भी अगर आप करते हो तो उस सबको डिटेल आपको देनी पड़ेगी। अगर ऐसा पता चलता है कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिली आपको नहीं मेंशन किया तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर आपके उस जो सैलरी वगैरह मिली उसमें से डिडक्शन हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सबसे मेन टॉपिक की कि अगर आप स्टडी लीव लेते हो उसके बाद आप आते हो स्टडी लीव के बाद और आप रिजाइन सबमिट कर देते हो या बोलते हो कि मैम रिटायर मुझे रिटायरमेंट चाहिए ये वगैरह, तो आप ये जान लो आपको सरकार छोड़ने वाली नहीं है, आपसे एक एक रुपए वसूल कर लेगी। जो भी अगर आपने कोर्स भी कंप्लीट नहीं किया तब भी आपसे पूरा पैसा लेगी। जैसे आप कोर्स पे गए और आधे में ही कोर्स छोड़ के चले आए तो भी आपसे सरकार एक एक रुपए वसूल कर लेगी। और इसकी ड्यूरेशन है 3 साल, अगर 3 साल के भीतर आपने नहीं किया या ज्वाइन नहीं किया या 3 साल तक सर्विस नहीं की कोर्स करने के बाद, तो आपको सारा पैसा वापस करना पड़ेगा। एक एक चीज मतलब एक एक रुपए जो सरकार ने आप पे खर्चा किया, जैसे कि सैलरी और आपके अलाउंसेज, जो स्टडी अलाउंसेज दिया या फिर जो आपके कॉस्ट लगा, ये सब सारे खर्चे जो सरकार के ने उठाए हैं, खर्चा किए हैं आप पे, वो सारे पैसे आपसे वापस ले लिए जाएंगे। तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि आप स्टडी लीव ले लोगे, आप पढ़ोगे उसके बाद आके रिजाइन दे दोगे और आपको कुछ नहीं होगा। सरकार बिल्कुल भी आपको छोड़ेगी नहीं, एक एक पैसा एक एक पाई आपसे वापस ले लेगी। तो ये थी स्टडी लीव की जानकारी, आप स्टडी लीव ले सकते हैं आसानी से, मगर जो मैंने आपको नियम शर्तें बताएं उसी आधार पर आपको स्टडी लीव मिलेगी। तो अगर आपके मन में कोई डाउट है या कुछ अगर आप जानना चाहते हो पूछना चाहते हो तो आप हमें मेल भी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, वहाँ पर मैं आपको सारी जानकारी दे सकता हूँ। पर्सनली आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो। तो आपके मन में कोई भी डाउट है स्टडी लीव से तो आप हमें कमेंट करें या मेल करें। तो अभी के लिए अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।